टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 16 लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस सीजन में कंटेस्टेंट की दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी के बारे में ऑडियंस बात कर रही है। शो में रोजाना किसी न किसी की लड़ाई जरूर होती है और अपकमिंग एपिसोड में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि बीते एपिसोड में देखा गया कि MC स्टैन बिग बॉस के घर के कैप्टन बन गए हैं और उनके साथ सौंदर्या शर्मा और सुजिता डे भी कैप्टन हैं। वहीं अब आने वाले एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क होगा, जिसमें MC स्टैन और शालिन भनोट के बीच भयंकर लड़ाई होगी। दोनों के बीच लड़ाई टीना दत्ता के लिए होगी। शो का एक प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें शालिन और MC स्टैन बुरी तरह लड़ते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि नॉमिनेशन टास्क के दौरान MC स्टैन टीना दत्ता का नाम लेते हैं और उन्हें नॉमिनेट करते हैं। इस दौरान टीना भड़क जाती हैं और वह MC स्टैन की ज्वेलरी पर कमेंट करती हैं। वहीं इस बहसबाजी में शालिन भनोट भी कूद पड़ते हैं। शालिन स्टैन को कहते हैं कि होशियारी मत दिखा यहाँ पर। शालिन की इस बात पर MC स्टैन को भी गुस्सा आ जाता है और फिर दोनों ही एक दूसरे को मारने की बात करते हैं। शालिन और स्टैन के बीच तू-तू में काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से MC स्टैन आगे की ओर बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर रहना है या नहीं। वहीं MC स्टैन को इतना गुस्सा करता देख बाकी कंटेस्टेंट भी बीच में आ जाते हैं और उन्हें शांत कराते हैं। वैसे आपको बता दें कि MC स्टैन और टीना दत्ता के बीच शो में काफी अच्छा रिश्ता देखने को मिला था। इसी वजह से जब MC स्टैन टीना दत्ता को नॉमिनेट करते हैं तो टीना भी हैरान रह जाती हैं। वैसे इस स्टोरी पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बिग बॉस 16 से जुड़ी अपडेट्स लगातार पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।